वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी की माता एवं युवा भाजपा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा की दादी दर्शना देवी की रस्म पगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में लोगों ने पिपली रोड स्थित पाल प्लाजा में पहुंचकर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। रस्म पगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने जय भगवान शर्मा डीडी द्वारा जीवन पर्यंत अपनी माता दर्शना देवी की गई सेवा पर उन्हें साधुवाद दिया और औरों के लिए इसे प्रेरणा बताया। बता दें, भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी की स्वर्गीय माता दर्शना देवी की श्रद्धांजलि सभा पिपली रोड स्थित पाल प्लाजा में हुई। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोगों ने डीडी शर्मा की माता को पुष्पांजलि अर्पित की। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और इस्कॉन कुरुक्षेत्र प्रभारी संत साक्षी गोपाल दास ने भी गीता में बताए गए मोक्ष को लेकर प्रवचन किए और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि आत्मा अमर है, गीता ही जीवन मरण का बंधन खत्म करने वाला एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो जीने के बाद भी जीने के साथ भी व्यक्ति को कर्म धर्म और मोक्ष का ज्ञान देता है। इस अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हरिद्वार, उत्तराखंड, राजस्थान समेत देश और प्रदेश भर से आए हजारों लोगों ने दर्शना देवी को पुष्पांजलि अर्पित की। जय भगवान शर्मा डीडी भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा, व्यवसायी विंकल शर्मा द्विन ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों का आभार जताया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह, भाजपा संगठन मंत्री रविंदर राजू, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, रोहतक सांसद अरविंद शर्मा, राहुल राणा, विधायक राम कुमार कश्यप, ओम प्रकाश जमदग्नि, राजकुमार सैनी, डॉक्टर गुलशन कवात्रा, आशीष चक्रवाणी, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक अनिल घंटोड़ी, पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, चार राजेंद्र लितानी, इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला, कांता चौटाला, अर्जुन चौटाला, उमा सुधा ने भी स्वर्गीय दर्शना देवी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कुलदीप विश्नोई आज मिले हैं अपना अमित शाह जी से, क्या लगता है? ये तो राजनीतिक बातें हैं, अगले ने टाइम मांगा है, इसने भारतीय जनता हमारे जो समर्थित कैंडिडेट थे उनके लिए वोट किया, तो ये तो सारा पॉलिटिकल बातें जो मिले होंगे, चलो तो जो सामने आ जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। कल पानीपत में घटना घटी थी? नहीं, पानीपत में तो को बात हुई थी सिक्योरिटी वालों के साथ, गनमैनों के साथ जो है, मैं भी खड़ा था वहाँ पर, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो दूसरा आज मौके पर, इस मौके पर हमारी भाई हैं डीडी शर्मा जी, उनकी माता जी दर्शना देवी जी का जो है आज 17वीं की है, और बहुत ही जोश के साथ पूरे परिवार ने सेवा की, और मैं समझता हूँ कि दर्शना जी हमारे बीच में ही, कहीं दूर नहीं जाएंगे। माता पिता चले जाते हैं दिखावे में, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनके बताए रास्ते हमेशा साथ चलते हैं। तो मैं इस मौके पर भाई डीडी शर्मा उनके परिवार को यही कहूँगा, परम पिता परमात्मा हमारी माता जी को, डीडी शर्मा जी की माता जी को चरणों में स्थान दे परमात्मा, और इसी तरह से जो सेवा भाव है उसी तरह से डीडी शर्मा का।